रग रग से वाकिफ हूँ कुमार स्वामी के मैं। बगैर फायदे के कुमार स्वामी कोई भी धंधा नहीं करता है, कोई भी पॉलिटिक्स नहीं करता है। देवेगौड़ा साहब की सियासत अलग थी। देवेगौड़ा जीनियन लीडर, 200% सेक्युलर लीडर देवेगौड़ा जी, आज इनकी तारीफ करता हूँ। और मैं जफरुल्लाह खान से पूछता हूँ, ये कौन से बड़े लीडर है आज मेरे बारे में बात कर रहे हैं? पहले इनको जाके किधर इलेक्शन कंटेस्ट करके जीत के आने को बोलो। अगर मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, मैं फारूक को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा, होम मिनिस्टर बनाऊंगा, हुकूमत बनी, कुमार स्वामी साहब चीफ मिनिस्टर बने, क्यों भाई या फारूक को नहीं बने? जफरुल्लाह खान जब मुंह में लड्डू रख लिया था, आज कौम की बात कर रहा है, वो मुंह में लड्डू रख लिया था, हक दे के दिलाना ना फारूक को, ये तो पार्टी छोड़ के जाना था, एक औकात नहीं है उसको उनकी मिनिस्ट्री के अंदर। मैं जब पॉपुलर हो गया, पब्लिक मेरे को चाहने लगी, अरे भाई इसको पब्लिक चाहने लगी, इसको कहीं से खत्म कर करे, हमारे को टॉर्चर देना शुरू करते। आज मेरे को हकीकत मालूम हुई जनता दल में, कांग्रेस ने जद्दोजहद करके एक मुसलमान को देना करके 99 में टिकट दिया था, देखिए मुसलमान कैंडिडेट 99 के अंदर हारा हुआ है, तो दोबारा मुसलमान को देंगे तो जीत कैसे सकते हैं? बी नारायण को 40 करोड़ का ऑफर आया बीजेपी वालों का, तो सिद्धरामैया साहब एक ही बात बोले उस टाइम पे, नहीं वो सेक्युलर लीडर है, वो किसी हालत में बीजेपी को नहीं जाएगा, वो 40 नहीं 400 करोड़ देगा तो भी नहीं जाएगा करके। आज वो कुमार स्वामी की हुकूमत में उनको मुख्यमंत्री बचाने के लिए साथ दिया, उसके ऊपर आप कैंडिडेट डाल रहे हैं। जिधर जीतने की जगह है आप मुसलमान को नहीं दिला रहे, जिधर बीजेपी से तुम मैच फिक्सिंग करके मुसलमान का वोट डिवाइड करने के लिए आप बसों कल्याण में कैंडिडेट डाल रहे ना। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को डायरेक्शन दे के ये बैंकट हॉल में टिप्पू जयंती इस बार नहीं होना चाहिए, उसको शिफ्ट कर दो रविंद्र कला क्षेत्र करके, कुमार स्वामी डायरेक्शन दिए टिप्पू जयंती में नहीं है, हम उसको वोट देना, हम उसको ऑफ रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, और सामने बुलाओ ना उसको कुमार स्वामी को, मैं तैयार हूँ। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, यूनाइटेड डायग्नोस्टिक्स, केबीएन यूनिवर्सिटी, न्यूसन फैब्रिक्स क्लोज स्टोर, सूरत खजाना, चुलबुल लाइटिंग एंड फर्नीचर, एंड बाय ऑबस इंटरनेशनल स्कूल। हेलो एवरीबॉडी, इज ताहिर अब्बास, और आप सब देखें गुहाश गिविंग टाइम इज बीजर जमीर अहमद खान साहब, हुज़ द सीनियर कांग्रेस लीडर स्टालवर्स ऑफ कांग्रेस, हुज़ बीन कैंपेनिंग हियर एट बसो कल्याण। समीर साहब, आपसे कुछ सवाल करने वाले, छोटी सी प्रेस मीट की तरह, जहां पर हम आपसे कई सारे कड़वे सवाल करने वाले, कई सारे डायरेक्ट सवाल करने वाले, जिसके आपको जवाब देना है। सर, हाल ही में जफरुल्लाह खान साहब का एक जो बयान आया था, जहां पर वो बता रहे थे कि आपने जो कुमार स्वामी जी को कंपैरिजन किया हजरत बिलाल के साथ, और ये मामला चला था कि भाई मैं मुस्लिम नहीं हूं, तो खुदाई के दावा के बारे में जफरुल्लाह खान ने कहा, तो उसको आप क्या जवाब देना चाहते हैं? मैं खुदाई दावा किसी से नहीं करता। ये जफरुल्लाह खान ने जो हजरत बिलाल को जो कुमार स्वामी से जब कंपेयर किया ना, एक मुसलमान को भी हम हजरत बिलाल से कंपेयर नहीं कर सकते थे, इस वजह से बोला। अगर जानकारी रहे कि ना बोलना, उन्होंने क्या कहा था उनकी प्रेस मीट के वक्त पर कि हजरत बिलाल भी काले थे, कुमार स्वामी भी काले हैं, तो मुसलमान बोल कोई मुसलमान बोल सकता ही है? मुसलमान कोई बोल सकता ही है? ये कुमार स्वामी की चापूसी नहीं था और क्या है? और मैं जफरुल्लाह खान से पूछता हूँ, ये कौन से बड़े लीडर है आज मेरे बारे में बात कर रहे हैं? पहले इनको जाके किधर इलेक्शन कंटेस्ट करके जीत के आने को बोलो जी। या इतने साल से पार्टी के अंदर है ना, इनको ना एक MLC बनाया गया, ना इनको एक MP बनाया गया, ना इनको अहदा दिया गया, इनको किस तरीके से रखे मैं अच्छी तरह जानता हूँ, खाली कोर्ट में देख लेना उनको, वो कोर्ट में दिख रहे भारी कुमार स्वामी के बाजू बैठ के, अंदर से क्या मैं जानता हूँ, मैं भी वही पार्टी में रह चुका हूँ, नाम के लिए है। ठीक है, आपकी बात ही मानता हूँ, आप खुद एक मुस्लिम माइनॉरिटी के लीडर हैं, आप JDS के मुस्लिम माइनॉरिटी जो वहाँ पे कैंडिडेट दिया गया है, कांग्रेस क्यों नहीं देता कैंडिडेट मुस्लिम कैंडिडेट? नहीं नहीं, कांग्रेस से 99 के अंदर मुसलमान कैंडिडेट दिया गया था, मुसलमान कैंडिडेट को देखे सिर्फ 4000 वोट लिया गया था, कांग्रेस ने जद्दोजहद करके एक मुसलमान को देना करके 99 में टिकट दिया था, देखिए मुसलमान कैंडिडेट 99 के अंदर हारा हुआ है, तो दोबारा मुसलमान को देंगे तो जीत कैसे सकते हैं? कुमार स्वामी के अंदर कहां से कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो माइनॉरिटीज के इतना फेथ रखते हैं? हाल ही में कुमार स्वामी ने कहा कि अगर मैं माइनॉरिटी को अगर वोट डिवीजन के लिए अगर मैं डाल रहा हूं तो अल्लाह मुझे सर्वनाश करे, इस तरह का बयान मैं एक आपसे बात बोलना चाहता हूं। अभी 3 इलेक्शन है, 1 महीना पहले कुमार स्वामी और देवेगौड़ा ने प्रेस मीट किया था, और प्रेस मीट में क्या कहा था कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी गरीब पार्टी है, हम भाई इलेक्शन में कैंडिडेट नहीं डालेंगे, बराबर ना? तो बसो कल्याण क्यों डाले? यही मस्की के अंदर जो कांग्रेस का कैंडिडेट रिजाइन कर जो भाई इलेक्शन जो आया है बस्की के अंदर, इधर जो भाई इलेक्शन आया है किस वजह से आया, जो बी नारायण जो है कोविड के अंदर पॉजिटिव होकर इंतकाल होने की वजह से इलेक्शन आया, मस्की में क्यों इलेक्शन आया? वो MLA जो कांग्रेस से जीता था वो कांग्रेस छोड़कर BJP में जाके कुमार स्वामी जो चीफ मिनिस्टर थे उनको निकालने के लिए BJP में सपोर्ट करने वाले के ऊपर आप कैंडिडेट नहीं डाले,
क्यों आप डाल सकते थे ना कैंडिडेट उधर, आपकी हुकूमत गिराया उसने। बी नारायण को 40 करोड़ का ऑफर आया बीजेपी वालों का, मेरे को मैसेज आई भाई ये 13 जन के साथ बी नारायण राव बसों कल्याण के एमएलए का भी बीजेपी वाले ने ट्रैप किए करके। जैसा मेरे को मालूम है मैं सिद्धरामय्या जी के पास गया, साहब ऐसा मेरे को मैसेज आया 13 आदमी के साथ बी नारायण बसों कल्याण के जो एमएलए है उनको भी बीजेपी वाले ने ट्रैप कर दिया कुछ 40 करोड़ के अंदर। तो सिद्धरामय्या साहब एक ही बात बोले उस टाइम पे, नहीं वो सेक्युलर लीडर है, वो किसी हालत में बीजेपी को नहीं जाएगा, वो 40 नहीं 400 करोड़ देगा तो भी नहीं जाएगा करके। आज वो कुमार स्वामी की हुकूमत में उनको मुख्यमंत्री बचाने के लिए साथ दिया, उसके ऊपर आप कैंडिडेट डाल रहे हैं, वजह क्या है? सीधे सीधे है कि बीजेपी से आप अंडरस्टैंडिंग करके डाले, मस्की में भी डाल के, इधर भी डाल के, बेलगाम भी डालते, मानते हम आपकी पार्टी है। तो ऐसे में पब्लिक कन्फ्यूज हो रही है जमीन साहब के कुमार स्वामी आप पर अल्लाह से सर्वनाश की बात करें और आप बोल रहे हैं कि नारायण, तो पब्लिक ऐसे में कन्फ्यूज होकर कहा? मैं कुमार स्वामी को अच्छी तरह जानता हूँ, मैं कुमार स्वामी को जो नज़दीक से मैं देखा और कोई सियासतदान उनको नज़दीक से देखा नहीं, जफरुल्ला खान अभी अभी उनको देख रहे हैं, मैं 24 घंटे के अंदर 16 घंटे उनके साथ रहता था, रग रग से वाकिफ हूँ कुमार स्वामी के। मैं बगैर फायदे के कुमार स्वामी कोई भी धंधा नहीं करता है, कोई भी पॉलिटिक्स नहीं करता है। देवेगौड़ा साहब की सियासत अलग थी, देवेगौड़ा जीनियन लीडर वो 200% सेक्युलर लीडर देवेगौड़ा जी, आज इनकी तारीफ करता हूँ और मैं उनको पॉलिटिकल गुरु भी मानता हूँ, पॉलिटिकल गुरु भी देवेगौड़ा जी को मानता हूँ। आज यही देख लो, आज मुसलमान की बात कर रहे हैं लोग, आज मुसलमान के बारे में जफरुल्ला खान को पूछो, जब हुकूमत थी जब 2018 के अंदर कुमार स्वामी चीफ मिनिस्टर बने थे ना, जब कुमार स्वामी जब चीफ मिनिस्टर बने थे 3 मिनिस्ट्री खाली थी, यही जफरुल्ला खान को भी मालूम है, हर जगह फारूक साहब को लेके जाते थे, फारूक साहब को लेके जाके अगर मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा मैं फारूक को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा, होम मिनिस्टर बनाऊंगा, हुकूमत बनी कुमार स्वामी साहब चीफ मिनिस्टर बने, क्यों भाई अब फारूक को नहीं बने? जफरुल्ला खान जब भी मुंह में लड्डू रख लिया था, आज कौम की बात कर रहा है, वो मुंह में लड्डू रख लिया था, हक दे के दिलाना ना फारूक को, ये तो पार्टी छोड़ के जाना था, एक औकात नहीं है उसको उनकी मिनिस्ट्री के अंदर, चीफ मिनिस्ट्री की मिनिस्ट्री के अंदर एक मिनिस्टर को मिनिस्ट्री दिलाने के लिए ये अनाउंस किए थे। तो ये आज मुसलमान की बात कर रहे हैं, कई के लिए मुसलमान वोट दे उनको, कई के लिए मुसलमान वोट दे फारूक साहब, यही कुमार स्वामी हर मीटिंग के अंदर, हर पब्लिक मीटिंग के अंदर 2018 के अंदर मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा तो फारूक साहब को मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा, होम मिनिस्टर बनाऊंगा, यही जफरुल्ला खान था ना, मैं मुसलमान का लीडर बोलता हूँ ना, क्या कर रहा था तुम जब भी मुंह में लड्डू रख लिया था, आज मुसलमान का वोट मांग रहा, कई कई को दे मुसलमान आपको वोट? मुसलमान कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इंफ्लेशन आ रहा है, क्योंकि कुमार स्वामी ने कहा कि जब 2023 में जेडीएस सरकार खुली तौर पर सरकार बनाएगी तो 15 से 20 एमएलए मुस्लिम्स के होंगे, एक बात उन्होंने कही। और दूसरी बात भी आपसे पूछना चाहता हूं, एक काम कर सकता हूं, ये काम अब सही है, जनता दल अगर चाहे तो मुसलमान को 15 से 20 सीट दिला सकती है। ये जफरुल्ला को पहले बोलो, ये मंडिया में जो सिटी है ना उधर मुसलमान की तादाद ज्यादा है, पहले उसको उधर टिकट लेने को बोलो। क्या बोलो? अगर जनता दल चाहे ना, मुसलमान के ऊपर चाहत है, रामनगर से जीता सकते डाल के मुसलमान को, चनपटना से मुसलमान को डाल के जीता सकते, मंडिया से मुसलमान को दिला के जा सकते, केआरपेट से मुसलमान को दिला के, मंडिया के 7 जिले से भी जीता सकते, हासन के 7 जिले से भी जीता सकते। क्या बोलो? जीताओ, बहुत अच्छी बात है, मालूम पड़ेगा आपको हकीकत। जिधर हारने की जगह, जिधर जीतने की जगह है आप मुसलमान को नहीं दिला रहे, जिधर बीजेपी से तुम मैच फिक्सिंग करके मुसलमान का वोट डिवाइड करने के लिए अब बसों कल्याण में कैंडिडेट डाल रहे ना, वो हजरत अली खादरी साहब बहुत अच्छा आदमी है, उसको क्यों बलि का बकरा बना रहे? जफरुल्ला खान तुम ठहरना था, ताकत है तुम्हारे में, तुम आगे ठहरना था, नेक आदमी है, वो अच्छा आदमी है, सिलसिले से आया हुआ आदमी है अली साहब खादरी साहब, आज उसको बलि का बकरा बना रहे। आज कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि जेडीएस के हाल ही में बयान आने के बाद कि जेडीएस एक मुस्लिम कैंडिडेट को बनाने की फैक्ट्री है, प्रोडक्शन है, और आप भी वहाँ के प्रोडक्ट हैं, हर बार ये बात बताया जाता है कि जमीर अहमद खान जेडीएस प्रोडक्ट है और हर कोई यहाँ तैयार होता है और अलग अलग पार्टी। नहीं, मैं भी जब जनता दल में था हर स्पीच के अंदर मैं भी वही सोच रहा था, क्या भाई ये पार्टी में आते हैं, ये पार्टी में आके एमएलए बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, पार्टी को धोखा देके जाते हैं करके मैं बहुत से स्पीच में बोला हूँ। कुमार स्वामी जो बोल रहे हकीकत है, मैं बोला एक जनता दल एक पॉलिटिकल फैक्ट्री जैसा है, इधर प्रोडक्ट रेडी करके, रेडी होने के बाद दूसरी जगह जाते करके बोला हूँ। आज जब अभी मालूम पड़ा मेरे को
कि ये लोग क्यों छोड़ के जाते थे, मैं अकेला नहीं, सीएम इब्राहिम साहब क्यों छोड़ के गए, इकबाल अंसारी साहब पार्टी क्यों छोड़ के गए, अब्दुल अजीम जैसे साहब फैक्ट्री क्यों पार्टी क्यों छोड़ के गए, नबी साहब एक्स मिनिस्टर पार्टी क्यों छोड़ के गए, मैं पार्टी क्यों छोड़ा, जितने भी मुसलमान रोशन बेग साहब यही जनता दल के अंदर थे क्यों पार्टी छोड़ के गए, ये लोग क्या करते, एक हिसाब से एक 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 मौके तक जब तक उनका नाम नहीं होता जब तक वो लोग इंतज़ार करते हैं, जब पब्लिक के अंदर जय जयकार शुरू होती है उसको कैसे ख़त्म करने का टारगेट करते हैं। मेरा ही मिसाल, मैं जब पॉपुलर हो गया पब्लिक मेरे को चाहने लगी, अरे भाई इसको पब्लिक चाहने लगी उसको कैसे ख़त्म कर करे, हमारे को टार्चर देना शुरू करते हैं। आज मेरे को हकीकत मालूम हुई जनता दल में, जनता दल का कोई भी कई के लिए छोड़ के गया मतलब ये कोई मुसलमान को बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ आपको, अगर कुमार स्वामी साहब को अगर मुसलमान में चाहत होती, मुसलमान में मोहब्बत होती, 2006 में चीफ मिनिस्टर बने, कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, 25 साल से हज का इनाग्रेशन के फंक्शन के अंदर कोई भी चीफ मिनिस्टर हो जाता है इनाग्रेशन करके आता है, ये 2006 में मैं हज और ऑफ मिनिस्टर था, इनाग्रेशन के लिए नहीं आए, यही 2018 के अंदर यही कुमार स्वामी साहब कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर चीफ मिनिस्टर बने, मैं मिनिस्टर था, मैं जाके इनको इन्वाइट किया तो भी नहीं है, वो भी किधर बैठ के, कुछ चीफ मिनिस्टर जफरुल्ला खान बता रहे थे सीएम के प्रोग्राम होते बिजी होते, भाई वो बिजी नहीं था उस दिन का, आप टीपी निकालो उनका, वेस्टर्न होटल में बैठा था वो, वेस्टर्न होटल में बैठ के नहीं आया, यही बीजेपी की हुकूमत थी 2008 से लेके 2013 तक, येडियुरप्पा बीजेपी हुकूमत में 3 साल भी कंटिन्यूस येडियुरप्पा साहब इनाग्रेशन हज इनाग्रेशन के लिए आए, सदानंद गौड़ा साहब 1 साल के लिए चीफ मिनिस्टर थे वो हज इनाग्रेशन के लिए आए, जगदीश शेट्टर 1 साल के लिए मिनिस्टर थे वो आके गए, हमारे सिद्धरामैया जी 5 साल के 5 साल भी हज इनाग्रेशन के, उसके साथ साथ में जो हम लोग खुर्रा बोलते ना लैटरी उठाते उसके लिए भी 1 साल भी कुमार सिद्धरामैया जी नहीं मिस करे। आज यही कुमार स्वामी से मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं आए आप, क्या वजह है, और आपको मुसलमान का वोट चाहिए, बजट जो सिद्धरामैया ने 3,150 करोड़ दिया था आपने सीधा उसको घटा के 1,800 करोड़ कर दिया, यानी 1,350 करोड़ कम कर दिया, आपको मुसलमान का वोट देना चाहिए। टिप्पू जयंती यही सिद्धरामैया की हुकूमत के अंदर बैंक्वेट हॉल में चल रही थी, हर 5 साल भी सिद्धरामैया ने बैंक्वेट हॉल के अंदर टिप्पू जयंती शानदार से मनाया, बीजेपी वाले विरोध करते थे उसका, हर साल हर फंक्शन के अंदर बोलते थे नान टिप्पू बग्गे तिल्कोंडी नान टिप्पू जयंती मारता इदीनि, नान इन मुंदे नीव एनार माड्कोळ्ळि इन मुंदे नान टिप्पू जयंती जोराग मारती निम्म कैयल्लि एनागुत्तद माड्कोळ्ळि करके टिप्पू जयंती बनाता गया। यही कुमार स्वामी कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर चीफ मिनिस्टर बने, मैं जाके उनको इन्विटेशन दिया, साहब हर साल हम टिप्पू जयंती इधर बना रहे बैंकट हॉल के अंदर विधानसभा के अंदर, इस साल आप आइए करके, आप आओ करके इन्विटेशन दिया। इन्विटेशन देने के बाद जैसे मैं इन्विटेशन दिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को डायरेक्शन दे के ये बैंक्वेट हॉल में टिप्पू जयंती इस बार नहीं होना चाहिए, उसको शिफ्ट कर दो रविंद्र कला क्षेत्र करके कुमार स्वामी डायरेक्शन दिए, टिप्पू जयंती में नहीं है, हम उसको वोट देना, हम उसको ऑफ रिकॉर्ड है ऑन रिकॉर्ड है, और सामने बुलाओ ना उसको कुमार स्वामी को, मैं तैयार हूँ, मैं एक बोलूँ वो एक बोलूँ, इसीलिए बोला मैं बसो कल्याण में बैठा हूँ, मैं एक बोल रहा हूँ वो एक बोल रहा, अगर उनमें दम है तो मेरे सामने आके डिबेट में बैठे, और इनको मुसलमान का वोट देना चाहिए। और ये जफरुल्ला खान मेरे लेवल का लीडर नहीं है वो, मैं उससे बात करने के लिए। सर आखिर मैं ये बताना चाह रहा हूँ बसर कल्याण के जो वोटिंग जो पैटर्न है किस तरह से होता है, दो साहब मैं 5 दिन से लगातार कैनवासिंग कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ हर जगह में, जो है नारायण का ना बी नारायण का हर आदमी रो रो के नाम ले रहा है, वजह उसका जो उन्होंने 3 साल में जो डेवलपमेंट वर्क काम किया था, जैसे आप ले लो आटो नगर करके उधर ख़दम रखने को नहीं होता था, 7.5 करोड़ रुपए खर्च करके आज उधर आटो नगर को MG रोड बना दिया, और उधर सिटी के अंदर ज़्यादा तादाद में मुसलमान की है, उधर कब्रिस्तान की सख्त ज़रूरत थी, जैसे ही MLA बना 2 एकड़ 10 कुंटे कब्रिस्तान के लिए जगह दिलाया, ईदगाह मैदान कॉम्पाउंड नहीं था 50 लाख रुपए देके ईदगाह मैदान बनाया, खेड़े गाँव आया था हमारा कोहिनूर पहाड़ करके, उधर गया तो मेरे को लग रहा है ये भाई इतना अच्छा एरिया है ना मुसलमान का, ये एरिया इतना डेवलप है इधर,
तो मैं बुला के पूछा उधर की आवाम से, भाई एरिया कैसा इतना डेवलप है? नए साहब नारायण राव की मेहरबानी हुआ MLA होने के बाद, उससे पहले हम इधर कदम नहीं रख सकते हैं। 3 करोड़ रुपए खर्च करके पूरा CC रोड OC रोड सब बना के, हमारे को एक स्कूल की ज़रूरत थी उधर, 31 लाख की उर्दू का स्कूल भी बना के दिए साहब। वैसे ही खेड़े के अंदर जिधर जो डेवलपमेंट वर्क, मेरे को ये लग रहा है ये आदमी ग्रांड कहाँ से लेके आता था। और इसकी मौत भी जो हुई ये नेचुरल डेथ नहीं है, ये हार्ट अटैक हो के या बीमारी आके, इसकी मौत जो हुई कोविड पॉजिटिव आने की वजह से, ये आवाम की खिदमत करते हुए भी इसका कोविड पॉजिटिव आके इसका ध्यान हुआ। तो मेरी बसों कल्याण के आवाम से मेरी आजीजाना गुजारिश है, इन दिन के बहकावे में मत हुआ, आपने 2018 में उनको 5 साल के लिए इलेक्ट किया था, कोई ख्वाबो ख्याल के अंदर नहीं सोचा था कि इनका देहांत होएगा करके, आज इनका देहांत हो गया। इनका हक हमारी कांग्रेस पार्टी, उनकी फैमिली को, उनकी आलिया को दिया गया है, मिसेस को, तो मेहरबानी करके उनका आप वोट, आपका कीमती वोट उनको देके आप जिता के लेके आए। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, यूनाइटेड डायग्नोस्टिक्स, KBN यूनिवर्सिटी, न्यूसन फैब्रिक्स क्लोथ स्टोर, सूरत खजाना, चुलबुल लाइटिंग एंड फर्नीचर, एंड बाय ऑबस इंटरनेशनल स्कूल।